देखिए मौन व्रत एक ऐसा व्रत है कि अपनी वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द आप नहीं बोल सकते। आप परेशान तो हो सकते हैं अगर कोई अपशब्द आपको बोल रहा है, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा आप किसी को नहीं बोल सकते, और वही धैर्य की निशानी है। इसलिए कहा जाता है कि व्रतों में व्रत है मौन व्रत। देखिए मौन व्रत के अनेकों बेनिफिट हैं। आप संसार में रहकर के भी संसार में नहीं रह रहे। अगर आप संसार में हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, अपना जो भी कार्य आप सुचारू रूप से कर रहे हैं वो कार्य भी कर रहे हैं, और मौन व्रत में किसी को अपशब्द भी नहीं बोल रहे, आपकी लौ परमात्मा से लगी हुई है, और मेरा मानना यह है कि आपको मौन व्रत नित्य प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट रखना चाहिए। अगर 40 मिनट मौन व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर पर ईष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। उनके समक्ष बैठकर उनका ध्यान कीजिए, भाग्य प्रबल हो जाता है, साथ ही बुद्धि बल और आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त होती है। इस मौन व्रत को हम उपाय के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर किसी पत्रिका के अंदर सेकंड हाउस के अंदर क्रूर प्लैनेट बैठे हों, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, और ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं वाणी जो होगी अहित कर देगी, जहां वो बोलेगा वो अपना ही अहित कर रहा होगा। इसलिए मौन व्रत उन लोगों के लिए तो रामबाण का काम करेगा। अगर आप समय समय पर मौन व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रहों की शांति के साथ साथ आपको आत्मिक शांति भी प्रदान होगी, और साथ साथ में आप ग्रहों के उपाय भी कर रहे हैं। मौन व्रत में अपने आप में परमपिता परमेश्वर से जुड़ने की एक कला है। आप संसार में रह करके भी संसार में नहीं रह रहे, यही है मौन व्रत। दर्शकों आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है, आपके मन में कोई शंका है मौन व्रत के बारे में या और किसी टॉपिक के बारे में कोई प्रश्न पूछना है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न वहां डाल सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रश्न का उत्तर सही और सटीक दे सकूं। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।